जी हाँ भैया, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ऊपर वाली की देन है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि दबदबा दो दिन में ही खत्म हो गया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महिला रेसलर साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का निर्णय किया। उसके बाद पूरे देश में तूफान सा आ गया। बजरंग पुनिया ने अपने मेडल को प्रधानमंत्री मोदी के घर के सामने रोड पर रखकर उन्होंने कहा है कि हम अपना सम्मान वापस करते हैं, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल आ गया। और सभी जानते हैं, जैसा कि महिला रेसलर ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कई महीनों तक प्रदर्शन किया, धरना दिया, उन्होंने उनके ऊपर यौन उत्पीड़न के कई सारे आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं की जा रही थी। फिर कई मिन्नतों के बाद, कई कोशिशों के बाद उन पर FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज कराई है। उसके बाद उनकी एक और मांग थी, सबसे बड़ी मांग थी, कि जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष बने कोई महिला हो, या उनके वर्चस्व वाला ना हो, उनके संपर्क वाला ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो ब्रजभूषण सिंह के साथ वाला हो, क्योंकि वो अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। जिस तरीके से आपको बता दें कि चुनाव हुए, लेकिन चुनाव में फिर से भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने हैं, संजय सिंह बन गए, जो कि उन्हीं के आदमी हैं। इसके बाद साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, ये सभी इन सबसे नाराज होकर, इन सबके साथ साथ हमारे देश के तमाम सारे जो लोग हैं वो दो धरों में बटे हुए हैं। कोई ब्रजभूषण सिंह को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई इन महिला खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहा है। और यहां पर एक सॉफ्ट कॉर्नर जो देखने को मिला है सरकार, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं ब्रजभूषण सिंह, क्योंकि उनके मंत्री हैं। अब लोगों के अलग अलग ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, कई सारे लोग जो पहला ट्वीट आया है, राधिका चौधरी, जिन्होंने लिखा है कि ये मेडल तुम्हारे पापा ने दिया है, अगर मेडल लौटा दिया है तो इसका एक एक पाई का पैसा भी लौटाना पड़ेगा। प्रदीप तिवारी लिखते हैं कि राजनीति में लुट गया मेडल का अभिमान, टूल किटों के हाथों में गिरवी है सम्मान। वहीं सूर्य प्रताप शाही ने ट्विटर पर लिखा है इन सभी को जवाब देते हुए कि कुछ बेशर्म अंधभक्त कह रहे हैं कि पहलवानों से कहो कि वो पैसा और नौकरी वापस करें। क्या ये पैसा और नौकरी उनके पापा ने दी है? ये सब इन पहलवानों ने अपनी मेहनत और काबिलियत से कमाई है, किसी के बाप के खैरात नहीं है, ऐसा कह रहे हैं कि सूर्य प्रताप शाही। घटिया लोग कह रहे हैं कि पहलवान पाई पाई चुका दे, कर्ज लिया था क्या? अरे पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया है, और अपनी छाती चौड़ी करने के लिए सरकारों ने इनको इनाम दिया था। सरकार इनका समय लौटा सकती है क्या? जो इन्होंने अपना ब्रांडिंग बनाया था वो लौटा सकती है क्या? जो गौरव के क्षण देश ने झेला है वो लौटा सकती है क्या? अरे घटिया लोगों, ठंड का मौसम है, बढ़िया धनिया पुदीना की चटनी चाटो, सत्ता की जूती चाटने में कब तक लगे रहोगे? खैर, ये सोशल मीडिया के लोग हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, अब इनको हम क्या करें। लेकिन जैसे कि कुश्ती संघ को भंग कर दिया गया है, ब्रजभूषण सिंह का फिर से वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे थे, आपको बता दें कि जो संजय सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे उनको हटा दिया गया है, जो है उसको बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बड़े कॉन्फिडेंस ओवर एक्टिंग के साथ कह रहे थे ब्रजभूषण सिंह कि दबदबा है, दबदबा तो कायम रहेगा, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि दबदबा दो दिन में ही दब गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें हमारे भारतीय ट्रेन का, यहां पर कुछ खिलाड़ी टॉयलेट सीट पर के पास बैठे हुए, वहीं पर ये है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, उससे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि मोदी जी अमृतकाल है, यहां पर जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिला खिलाड़ी टॉयलेट के पास बैठने को मजबूर है। सत्ता में बैठी हुकूमत का नारा है कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, क्या ऐसे खेलेगा इंडिया? अब इसको लोग अलग अलग तरीके से ट्वीट करा रहे हैं, ट्रेंड करा रहे हैं, जहां पर एक तरफ कई महिला खिलाड़ी धरने प्रदर्शन पर थे, वहीं पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पर राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद एमएलए साहब का अहंकार देखो, महिला SDM को ऐसे धमका रहे हैं जैसे कि वो चपरासी हो, बताया जा रहा है कि ये बीजेपी MLA लाला राम बैरवा है और ये SDM मैडम है। आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूँ आप भाई बेस मत करिए, आप किससे भी बेस कर रहे हैं, आपको बताया है? आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं मनीष कश्यप की, जो कल जेल से बेल पर रिहा हो गए हैं। जेल से छूटने के बाद नेताओं की तरह काफिला लगा लिया है, पूरी स्क्रिप्टिंग के साथ मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बता रहे हैं कि टेंशन मत लेना बेटा, तुम्हारा लाल, तुम्हारा हमदर्द, तुम्हारा जिगरी जेल से बाहर आ गया है। हालांकि इस बार थोड़ा सा रुख नरम रहा है, यदि पिछली बार गरम रुख अगर पिछली बार की तरह करते तो दोबारा हो सकता है उनको ठूस दिया जाता, और वहां से निकलने के बाद घर नहीं गए, बकायदा गाड़ी में बैठकर बारी बारी से अपने तमाम सारे जो चाटुकार पत्रकार हैं बिहार के बुलाकर उनको इंटरव्यू दे रहे थे। उसके बाद कह रहे हैं कि बिहार का बेटा हूं, जिस तरीके से मांझी ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया है उसका किसी ने साथ नहीं दिया था, मंडेला के आदर्शों पर चलने वाला हूं, भगत सिंह के आदर्शों पर चलने वाला हूं, भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार को उखाड़ कर फेंक दूंगा, पत्रकार चौथे स्तंभ होते हैं। हालांकि पत्रकारों को लेकर उनका रुख नरम रहा है, कोई भी पत्रकार किसी भी विचारधारा का हो, हम वो हमारा भाई है, हम उससे बैर नहीं करना चाहते। लेकिन भैया, ये तमाम सारी जो आपकी बातें हैं, जैसे आप पहले करते थे वैसे अभी भी कर रहे हो, सिर्फ पब्लिक को चूतिया बना रहे हो, जैसा कि नीरज झा ने नीचे लिखा है, और मुझे भी समझ आ रहा है क्योंकि पहले नीरज झा क्या कह रहे हैं उसे भी आप सोच लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ बनाने का एक काम किया जा रहा है। नीरज झा लिखते हैं कि आज मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए हैं, अच्छी खासी भीड़ के साथ उनका स्वागत किया गया है, जैसे कि साध्वी प्राची से लेकर कुछ दो कौड़ी के ट्रोल्स में खुशी की लहर एक दौड़ गई है। यह देखकर अपूर्व नंदन सर की बात याद आती है, जहां पर मोनू मानेसर
मनीष कश्यप, बिटू बजरंगी जैसे लोग जो हिंदुओं के नेता बन रहे हैं, क्योंकि इनके लिए बीजेपी जो है वो एक ऑफर देती है इन सभी को कि आप नफरत फैलाइए, उसमें हम आपको फायदा देंगे। इस तरह से आपको किस तरीके से फायदा देंगे, मतलब भैया समझ लीजिए, जितनी खुशी मनीष कश्यप और उनके परिवार वालों को नहीं होगी, उससे ज्यादा कहीं खुशी मनोज तिवारी भैया को है। उन्होंने पोस्ट कर दिया है, तमाम सारे बीजेपी के लोगों को हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप हो, बिट्टू बजरंगी हो, मोनू मानेसर हो, ये तमाम सारे लोग जिनको इस्तेमाल करके बीजेपी बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव को बदनाम करना चाहती है और अपना फायदा देख रही है। और वहीं पर ये तमाम सारे लोग जो हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों को दिन भर गालियां देते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इनको भी लगता है कि हम राजनीति में आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी मनीष कश्यप आपको बता दें कि चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन बेचारे हार गए। और चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार रूपी पहाड़, कि जब मांझी जहां पर पहाड़ तोड़े थे बाहर पहुंचे तो पूरा फिल्मी वाली स्टाइल में, जैसे वो पिक्चर में नहीं वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में बोले थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सेम वही वाला डायलॉग भैया पूरी स्क्रिप्टिंग के साथ जेल से बाहर आए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अगली खबर आई है छत्तीसगढ़ से, जहां पर लोग कहते हैं कि भारत की मीडिया कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को जो तांडव की खबर बना रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगल में अदानी कोयला खदानों के लिए काटे जा रहे लाखों के पेड़, जहां पर उनको इस चीज को दिखाने में उनका गला सूख जाता है। मीडिया अदानी के प्रति ये प्यार क्यों दर्शाता है? किसी ने लिखा है कि भारत का फेफड़ा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ हसदेव का जंगल राज्य में बीजेपी की सरकार के गठन होने के तत्काल बाद ही विनाश शुरू हो चुका है, जहां पर पर्यावरण कानून, वन विभाग कानून, आदिवासियों का जीवन सत्ताधारियों के हाथों में बच चुका है। वहीं पर अदानी अब तक 50,000 से ज्यादा पेड़ों को कटा दिया गया है, क्योंकि वहां पर किसी को प्रॉफिट पहुंचाना है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है जो कि चिंता का विषय है, और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। आपको बता दें कि देश के हर नागरिक पर 1.40 लाख कर्ज, भारत पर 205 लाख करोड़ का कर्ज अब तक हो चुका है, जिसको एक बड़े मीडिया संस्थान ने इस वीडियो को पोस्ट किया है, इसको आप देख सकते हैं। देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इसमें से 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पिछले 6 महीने में बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत सरकार को इस पर चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर IMF ने भारत को चेतावनी क्यों दी, सरकार क्यों कर्ज ले रही है और कहां खर्च कर रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2023 तक देश पर 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया, जिसमें केंद्र सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए और राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, यानी देश के हर नागरिक पर 1,40,000 रुपए का कर्ज। इसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर राजकुमार भाटी जो कि सपा प्रवक्ता है, उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला है और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें ये बिहार के DGP रहे हैं और वो किस तरीके से इस वीडियो में दलितों के बारे में अपनी जातिवादी मानसिकता बता रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण, अधम, नीच, पतित, ये उसका सम्मान करना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। कि ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो ब्राह्मण साथ देता है, तो कूलम समूलम धति, ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई तो कूलम समूलम धति, वो पूरे कुल का नाश हो जाता है हमारा। ब्राह्मण के क्रोध से बचना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो तो बड़ा अधम है, बड़ा नीचे, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो, लेकिन पूर्व जन्म की उसकी तपस्या है तो वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, मत बोलना। ब्राह्मण का अपमान कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए, संत का अपमान गलती से भी नहीं करना चाहिए। अब आजकल लोग नहीं मानते हैं तो ये बात। अब आप सोचिए, इस वीडियो में बोल रहा है कि ब्राह्मण कितना भी अधम हो, किस तरीके का हो, पूजनीय होता है, और जो दलित पिछड़े होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, बेकार होते हैं। इस व्यक्ति ने दलित पिछड़ों के साथ कभी क्या न्याय किया होगा जो बिहार का DGP रहा होगा? अब लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं। चलिए बात करते हैं विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी के बारे में। विवेक बिंद्रा के कंट्रोवर्सी के बाद उनकी वाइफ के साथ इनका झगड़ा हुआ, इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर और भी वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, उसमें ये पत्नी को पीटते हुए दिख रहे हैं, जिसमें ये पत्नी से माफी भी मांग रहे हैं लेकिन पत्नी वहां से भाग रही है। आप पहले वीडियो देखिए। अब आप क्या कहोगे बिंद्रा के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इसकी जातिवादी मानसिकता मैंने पहले भी आपको दिखाया था किस तरीके से ललन टॉप के स्टूडियो में बैठकर इंटरव्यू दे रहा था। फिलहाल राजनीति से हटके एक वीडियो में आप सभी को दिखाना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। इसे पोस्ट लोग कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अंधभक्तों का मल्टीपर्पज नल जल वाला झरना और विश्व गुरु बनाने की प्रक्रिया की ओर जाहिर है। पहले आप ये वीडियो देखिए। इसवीं सदी में हम जी रहे हैं लेकिन अभी भी हमें पाखंड आडंबर की तरफ बढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप सभी से कहता हूं कि तर्कवादी बनिए, ढोंग ढकोसले के पीछे मत पड़िए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो के लिए आप दो शब्द जरूर बताना कि ऐसी मानसिकता कहां से आती है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए, और दिन भर की हर एक लेटेस्ट खबर को पाने के लिए हमारे चैनल पर अगर रहेंगे तो एक ही वीडियो में दिन भर की पूरी खबर आपको मिलती रहेगी। फिलहाल मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।